काफी अच्छी वर्कआउट भी चालू है अभी। आज जो हम लोग का कंटेंट होने वाला है वो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो थंबनेल और टाइटल तो देख के आप लोग समझ गए रहोगे। थोड़ी सी मैजिक करते हैं इस वीडियो में। तो ऑडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने GoPro के थ्रू कर रहा हूँ, तो ऑडियो क्वालिटी काफी ज्यादा अमेजिंग आएगी। हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं अपने फोन में। ओके तो फाइनली हो चुका है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है। तो मैं आप सभी को बता दूंगा कि कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और मजे से होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बोल दूं, क्वालिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो रही रहेगी यहाँ पे, बिकॉज मैं घर के अंदर हूँ तो क्वालिटी थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी। तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और अभी हम लोग प्रोग्रेसिव वर्कआउट भी कर रहे हैं, देख सकते हो आप लोग, काफी अच्छा पीक आ रहा है, मतलब काफी अच्छी वर्कआउट भी चालू है अभी। तो वो सब छोड़ के आज जो हम लोग का कॉन्टेंट होने वाला है वो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। मैं बात करूंगा कि क्यों इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो थंबनेल और टाइटल तो देख के आप लोग समझ गए रहोगे कि हम लोग किस रिलेटेड आज एक्चुअली बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले इंस्टा 360 कैमरा के रिलेटेड ही, और आप लोग अपने वीडियो में कैसे मैजिकल क्लिप्स ऐड कर सकते हो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं कैसे एडिट करता हूँ, मैं एक्चुअली फोन कौन सा यूज कर रहा हूँ, आप लोग उसको PC में एडिट कर सकते हो, मोबाइल में एडिट कर सकते हो, कैसे एडिट करने वाले हो, ये सारा आपका सारा इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल कवर करने वाले हैं। तो हो सके तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और इसमें हम लोग लाइक का टारगेट करते हैं कितना रखे, 50। आई होप आप लोग 50 लाइक्स तो करा ही दोगे तुरंत, और तुरंत से तुरंत कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ इसमें हम लोग कॉमेंट का रखते हैं, 20 कॉमेंट्स आप लोग कर दोगे, प्लीज 20 कॉमेंट्स कर देना। आज का वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि मैं मोबाइल के अंदर ही आप लोग को बताऊंगा कि कैसे एक्चुअली में इंस्टा 360 कौन सा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, कहाँ से आप लोग को एप्लीकेशन मिलेगा, ये सब कुछ मैं आप सभी को बताने वाला हूँ पूरी डिटेल्स में। किस बात की देरी है, तो चलो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं अपने फोन में। सो फाइनली हो चुका है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है। अभी हम लोग चालू करेंगे और जाते हैं इंस्टा 360 के एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग कहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो हम लोग वाईफाई कनेक्ट कर देते हैं, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो मैं आप सभी को बता दूंगा कि कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। आपको ऐप स्टोर में जाना है एंड्रॉइड के लिए, मैं भूल गया, बहुत दिन से मैंने एंड्रॉइड यूज नहीं किया। तो प्ले स्टोर पे आपको वहां पे इंस्टा 360 मिल जाएगा एप्लीकेशन, और यहाँ पे है इंस्टा 360 आपको टाइप करना है। तो ये वाली जो एप्लीकेशन है ये ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोडेड है, मैं इसको ओपन कर दिया। तो मैं एक्चुअली इसको लैंडस्केप में कर देता हूँ ताकि ज्यादा कन्वीनियंट पड़े यूज करने में, और हम लोग को एक्चुअली अपना जो वीडियो है उसको वैसे ही यूज करना है। अभी हो नहीं रहा है, बट मैं इसको बता दूंगा कि कैसे आप लोग कर सकते हो। तो ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑन हो गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्लिक कर देंगे और अपने इंस्टा 360 को चालू कर देते हैं। वेट का तो आपको एक आवाज आई होगी, तो अभी हो रहा है, पैरिंग हो रहा है, आप लोग देख सकते हो, कनेक्ट डिफरेंट डिवाइस ऐसे करके आ रहा है। ओके, तो मेरे को यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया, वॉन्ट्स टू ज्वाइन वाईफाई नेटवर्क 1x2, और जो भी आपका डिवाइस नेम है वो यहाँ पे लिख के आ गया। तो मैं ज्वाइन पे क्लिक करूंगा, तो ये अपना जो इंस्टा 360 के साथ ना ये पैर हो जाएगा। ठीक है, अभी पैर होने के बाद हम लोग सबसे पहले जाएंगे इसके वीडियो के अंदर। तो मेरे पास ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्डेड है, तो हम लोग आप सभी को बताएंगे कि कैसे आप लोग अपना 360 व्यू मतलब रिकॉर्ड कर सकते हैं और कैसे इसको। तो अभी हमारे पास ये वीडियो है, आई होप आप लोग को प्रॉपर तरीके से दिख पा रहा रहेगा और रिकॉर्डिंग परफेक्टली आ रही होगी, आई डोंट नो। तो यहाँ पे उसका साउंड आ रहा है, तो साउंड को एक बार म्यूट करने का कुछ ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, म्यूट। ओके, सो इसको हम लोग म्यूट कर देते हैं। म्यूट करने के बाद हम लोग इसमें जाते हैं और हमें यूट्यूब का फ्रेम चाहिए। तो अभी यूट्यूब का फ्रेम हो गया है, और मैं इसको ऐसे रोटेट कर सकता हूँ बड़े आराम से, इसको जूम इन और जूम आउट भी बहुत ही आराम से कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग को ये फुटेज चेक करना है। तो अगर आप लोग को इसमें कोई भी कई फ्रेम लगानी है, ठीक है, तो थोड़ा सा ये टाइम लेता है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट।
उसको स्क्रीन को रोटेट कर दिया मैंने, ठीक है। तो एडिट करने का ऑप्शन आपको ऐसे देगा, लैंडस्केप कर दोगे आप लोग तो आपको एडिटिंग का ऑप्शन नहीं देगा। मैं भी मोबाइल पे ज़्यादातर एडिट नहीं करता हूँ, मैं यूजुअली पीसी पे ही करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे रहेंगे, जैसे ट्रिम का ऑप्शन है, फिर यहाँ पे आप लोग अपने स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से कर सकते हो। तो इन जनरली हमें दो चीज़ का ही चाहिए स्क्रीन, एक इंस्टा 360 का जो कि 9:16 है, और एक यूट्यूब का फ्रेम जो कि 16:9 है, और एक बहुत ही वाइड है, आई डोंट नो वो किस पर्पज़ में यूज़ होती है, बट ये सुपर वाइड है, इसका कोई मतलब नहीं है। हमें दो ही स्क्रीन साइज मैटर करती है, एक इंस्टाग्राम के लिए और एक यूट्यूब के लिए, ठीक है। तो अभी अगर आप लोग की, सबसे पहले मैं स्क्रीन को घुमा लेता हूँ अपने तरफ, पिंच इन करोगे तो जूम आउट हो जाएगा, पिंच इन करोगे तो जूम इन हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग को आई होप समझ गया होगा। तो ये जो प्लस का आप लोग को सिंबल दिख रहा है ना, इसको हम लोग की फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। तो इस पर आप लोग को क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं, जैसे टाइनी प्लेनेट हो गया, अल्ट्रा वाइड हो गया, लीनियर हो गया, लीनियर एंड नैरो, और बाकी आप लोग कस्टम भी करा सकते हो, ठीक है। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आप लोग इसको प्लेनेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग पहले रन पे जाते हैं, गाड़ी को हम लोग चलाते हैं, ठीक है। मतलब ऑलरेडी मैंने गाड़ी चला रखी है, तो मैं आप सभी को बताता हूँ फॉरवर्ड करके कि क्या इसमें मैजिक कर सकते हो आप लोग। तो सबसे पहले हमें पिंच इन करना है ताकि ये जूम आउट हो जाए। तो अभी जूम आउट हो गया, राइट। अभी हम लोग जाते हैं इसमें की फ्रेम लगाते हैं। की फ्रेम लगा के यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है बहुत सारे, जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया। तो ये हो गया आपका प्लैनेट व्यू। फिर और भी बहुत सारे व्यू हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो अल्ट्रा वाइड हो गया। अल्ट्रा वाइड में जैसे इसको मैंने पिंच इन किया, जूम आउट हो गया, ये अल्ट्रा वाइड हो गया, ठीक है। देख सकते हो आप लोग बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा वाइड में चला गया है। तो लगभग अगर आप लोग की वीडियो बड़ी है ना, 15 मिनट का अगर आप लोग फुटेज लेते हो तो ये तो 2-3 घंटा ले लेगा। तो मैं इन जनरली कभी भी मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप लोग के पास पीसी या लैपटॉप है तो बेटर है आप लोग एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए आपके लैपटॉप या पीसी में, और फिर वहाँ से एडिट करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। मतलब आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा कंपैरेटिवली, जो कि आपका टाइम कंज्यूम करेगा थ्रू मोबाइल। तो आप लोग देख सकते हो बहुत बढ़िया बढ़िया फुटेज मिल गई है। अभी इसको हम लोग ने की फ्रेम लगा के स्टॉप कर दिया। आपको स्क्रीन घुमा फिंगर से यहाँ वहाँ मेरे को ड्रैग करना है, और देख सकते हो आप लोग कैमरा कितने अच्छे तरीके से रोटेट हो जा रहा है। अभी मैं यहाँ पे पॉज करूँगा और फिर मैं एक की फ्रेम लगाऊँगा। यहाँ पे आप लोग को एक नैरो वाला व्यू देख लेते हैं। नैरो ये और भी ज़्यादा नज़दीक आ गया है। तो एक्सपोर्ट जब आप करोगे ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एक्सपोर्ट मोड में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो क्विक एक्सपोर्ट सेटिंग, इम्प्रूव एक्सपोर्ट स्पीड, और यू कैन एक्सपोर्ट विद कस्टम सेटिंग फॉर बेटर क्वालिटी। ओके, तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शंस देख सकते हो। रिजोल्यूशन है 1080, सो जो नॉर्मल है 720 पिक्सल, यहाँ पे 1080 पिक्सल एंड 1440 पिक्सल। फ्रेम रेट आप लोग 30 रहने दीजिए, बिट रेट आप लोग 25 रहने दीजिए, और फिर आप लोग एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो एक्सपोर्ट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव अगर लगी होगी। कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और शेयर तो डेफिनेटली आप लोग कीजिएगा। तो चलो मिलते हैं आगे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग फिर से मिलते हैं और साइज़ और बढ़ाते हैं अपने बाइसेप्स का। तो बाय, टेक केयर।